이 녀석이! वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम आपके लेके आए हैं एक कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है द गार्ड पोस्ट। मूवी की शुरुआत में बताते हैं कि कोरियन डीमिलिटराइज जोन में एक गार्ड पोस्ट है, वहां पर एक पल्टन को भेजा गया है और उन्हें 3 महीने तक वहां के बंकर में ड्यूटी करनी है। उनके इस्तेमाल के लिए वेपन्स भी मौजूद है। अगले सीन में उस बंकर को दिखाते हैं लेकिन वहां पर कोई नहीं है। अब सोल्जर्स की दूसरी पल्टन वहां पहुंचती है, वे पूरी जगह को छान मारते हैं लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता, पर एक कमरे में उन्हें कई लाशें पड़ी हुई मिलती है। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें खून में भिगोकर फेंक दिया गया हो, लेकिन उनके बीच कैंग नाम का आदमी कुल्हाड़ी लिए खड़ा होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। अब सोल्जर्स उसको शूट करने की धमकी देते हैं लेकिन वो साइको की तरह हंसने लगता है। अगले सीन में नोहा नाम के आर्मी चीफ और उसके असिस्टेंट को दिखाते हैं। दोनों नोहा की वाइफ के फ्यूनरल में जाकर लौटते हैं और वे नोहा के बेटे के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी नोहा को कैंग के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और सबको यही लगता है कि कैंग ने ही सारे सोल्जर्स को मार डाला है, लेकिन नोहा मामले की तह तक पहुंचकर सच को पता लगाने का फैसला करता है। तभी एक सोल्जर को उनका कमांडर ऑर्डर देता है कि सारी लाशों को हेडक्वार्टर्स भेज दो और साथ ही साथ कैंग को भी पकड़ के लेके आओ। पर बिना जांच पड़ताल किए नोहा कुछ नहीं करना चाहता। वो उस कमरे को देखने जाता है जहां लाशें मिली थी, लेकिन रास्ते में एक सोल्जर बीमार पड़ जाता है और वहां से बाहर भागने लगता है। दीवार पर खून से लिखा हुआ है, सबको मार डालो। नोहा उस कमरे में जाता है तो हर तरफ खून ही खून नजर आता है। फिर वो डॉक्टर से बात करता है जो नोहा को कैंग के पास लेके जाता है, जो फिलहाल बेहोश है। तभी एक सोल्जर नोहा को कमांडर के ऑर्डर के बारे में बताता है। नोहा कहता है, जब तक मैं पूरी जांच नहीं कर लेता यहाँ से कोई लाश हेडक्वार्टर नहीं जाएगी और ना ही मैं कैंग को यहाँ से भेजूंगा, तुम टीम को ये सब कुछ इन्फॉर्म कर दो। अब सोल्जर्स उस जगह को सर्च करते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। एक जगह पाइप से खून टपक रहा होता है। सोल्जर्स अब घबराने लगते हैं लेकिन नोहा उन्हें सर्च को जारी रखने को कहता है। अब एक जगह उन्हें खून में भीगा हुआ केक और एक कुत्ते का पट्टा मिलता है। उसे कैंग की फोटो मिलती है और पता चलता है कि वो एक जूनियर ऑफिसर है। अब नोहा को पक्का यकीन हो जाता है कि बंकर के सारे सोल्जर्स को कैंग ने ही मार डाला था। इसी बीच सोल्जर्स बाहर लाशों को गिन रहे होते हैं। वहां 19 लाशें होती है लेकिन 20 सोल्जर्स यहां ड्यूटी कर रहे थे, एक लाश मिसिंग है। डॉक्टर तो अब यहां से जाना चाहता है लेकिन नोहा नहीं मानता। वो कहता है कि लाशों को अनलोड करो और दोबारा काउंट करो। वे लाशें उतारकर फिर से काउंट करते हैं, इस बार भी सिर्फ 19 लाशें होती है। अब और कोई रास्ता न पाकर नोहा लाशों के साथ डॉक्टर को हेडक्वार्टर्स जाने की परमिशन दे देता है। अब यहाँ सोल्जर्स उस मिसिंग लाश को ढूंढने लगते हैं। उनका स्निफिंग डॉग भी अंदर जाने से कतराता है क्योंकि वहाँ बहुत ही गंदी बू आ रही होती है। सोल्जर्स की कुछ भी समझ में नहीं आता कि कुत्ता ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। रात को तो कुत्ते और भी भौंकने लगते हैं। तंग आकर एक सोल्जर उन्हें चुप कराने के लिए गेट को लात मारता है, लेकिन एक कुत्ता ऊंची आवाज में घुर्राता है और सोल्जर घबराकर चेक करने जाता है कि कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है। वहां कुत्तों की लाशें पड़ी होती हैं और एक सोल्जर उनका मांस चबाकर खा रहा होता है। सोल्जर की तो सांस ही रुक जाती है और वो चिल्लाता हुआ अंदर भागता है। यहाँ नोहा को कैंग की डायरी मिलती है लेकिन उसके कई पन्ने फटे होते हैं। तभी स्क्रीन नाम का सोल्जर उसे इन्फॉर्म करता है कि सभी सोल्जर के पर्सनल वेपन्स बैरक्स में नहीं है बल्कि आर्मरी में रखे गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि एक आदमी सारे सोल्जर्स के वेपन को अपने कंट्रोल में रख रहा था। स्क्रीन कहता है कि यहाँ इतनी सारी लाशें पड़ी थी लेकिन मुझे एक भी चूहा नजर नहीं आया। इस तरह के माहौल में तो चूहे जरूर आते हैं, मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है। अचानक सायरन बजता है और पता चलता है कि सोल्जर को जनरेटर रूम में एक सर्वाइवर मिला है जो पागल की तरह बिहेव कर रहा है। नोहा उसे शांत करता है और उसे सवाल जवाब करता है। अब सर्वाइवर अपना नाम योरा बताता है और कहता है कि मैं गार्ड पोस्ट 506 का ल्यूटिनेंट हूँ। ये सुनकर नोहा बाकी सोल्जर्स को बाहर भेज देता है और उससे कहता है कि तुम हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जल्दी बताओ। योरा कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। नोहा उसको वक्त देने लगता है लेकिन इसी बीच उसे हेडक्वार्टर से कॉल आता है और वे चाहते हैं कि नोहा योरा को हेडक्वार्टर भेज दे, लेकिन नोहा हेडक्वार्टर्स की घिसपीट से बिल्कुल तंग आ चुका होता है क्योंकि वे उसको अपना काम ठीक से करने ही नहीं दे रहे हैं। वो स्क्रीन से यूरा के बारे में पूछता है लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानता। अब नोहा को टेंशन होने लगती है कि यूरा बचने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी उसके कमरे में जाकर देखता है तो यूरा डायरी के पेजेस खा रहा होता है। अब नोरा के गुस्से का ठिकाना नहीं होता और वो यूरा से लड़ पड़ता है। इसके बाद स्क्रीन यूरा को हथकड़ी लगाकर एक जगह बंद कर देता है। यूरा कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता भी दिया कि इस बंकर में हुआ क्या था तब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। नोरा पूछता है कि तुमने मेरे सोल्जर्स को वेपन्स क्यों
क्यों नहीं दिए, जल्दी बताओ। वेपन्स को आर्मरी में रखकर सोल्जर्स को निहत्ता क्यों रहने दिया तुमने? पर युरा सिर्फ यही कहता है कि जल्द ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नुहा को उसकी पहेलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो चिढ़कर उसे एक जीप में हेडक्वार्टर भेज देता है। अब फूड स्टोरेज रूम में स्किनी को एक वीडियो कैमरा मिलता है। वे देखते हैं कि उसमें बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, तो इसी सेलिब्रेशन का केक नुहा को मिला था। अच्छा, अचानक वीडियो पर कैंग आता है और कहता है मुझे पल्टन के सभी लोगों को मारना है। दूसरी ओर डॉक्टर और उसकी टीम रास्ते में फंस जाते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक है। यूरा की जीप भी वहां का रुक जाती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैंग और कुछ सोल्जर्स बंकर के ऊपर चढ़कर हंसी मजाक मस्ती कर रहे थे। वे अंदाजा लगाते हैं कि ये बंकर नॉर्थ कोरियन गार्ड पोस्ट से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। इसी बीच कैंग गलती से सामने की पोस्ट गार्ड की ओर फायर कर देता है और नॉर्थ कोरियन गार्ड पोस्ट के सोल्जर्स काउंटर फायर करने लगते हैं। सोल्जर्स की इस नासमझी के लिए उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। उनका कमांडर, जिसका नाम लिटिल है, वो कैंग पर बरस पड़ता है कि बिना वजह तुमने गन फायर क्यों किया? क्या ये तुम्हें दिवाली के पटाखे वाली बंदूक लगती है? जिंदा घर नहीं जाना है तुम्हें? तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि आज से बंकर का सारा काम तुम ही करोगे, समझे? पर कैंग गुस्से में नहीं होता और अपना काम करने लग जाता है। अब तक तो काफी डिसेंट आदमी लगता है ये। प्रेजेंट में स्किनी बताता है कि मुझे नहीं लगता कि कैंग इतने लोगों को इतनी घिनौनी मौत मार सकता है, उसका ऐसा नेचर तो था ही नहीं। लेकिन वे किसी नतीजे में पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि कैंग की डायरी के इतने सारे पेजेस फड़े होते हैं, शायद यूरा ने इन्हें फाड़ा होगा। असलियत का पता लगाने के लिए नोहा यूरा की डायरी ढूंढता है और उसको पढ़ने लगता है। तभी दूसरे फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूरा कमांडर लिटिल के साथ किसी घटना के बारे में डिस्कस कर रहा है। वो बताता है कि मार्विन नाम का कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ जंगल में गया था लेकिन वे वापस नहीं आए। एक सर्च टीम उनकी तलाश में जंगल में गई लेकिन सबके सब घायल होकर वापस लौटे। तब कमांडर लिटिल दूसरी घटना के बारे में बताता है कि मार्विन का एक सोल्जर अचानक नीचे गिर गया और उसे दौरा पड़ने लगा। उस रात खुद मार्विन एक ज़ॉम्बी में बदल गया। उसको देखकर तो उसका साथी घबरा गया और डर के मारे बिल्डिंग से ही गिर गया। उसके बाद मार्विन ने कुछ सोल्जर्स पर भी अटैक किया लेकिन सोल्जर्स बच गए। लेकिन जब कमांडर लिटिल ये सब कुछ बता रहा होता है तो उनमें से एक सोल्जर मर जाता है। और प्रेजेंट में रोड ब्लॉक की वजह से डॉक्टर और बाकी सोल्जर्स हेडक्वार्टर्स पहुंच नहीं पाते और बंकर में लौट आते हैं। डॉक्टर कहता है कि लाशों को सड़ने से बचाने के लिए एक ठंडे कमरे की जरूरत है। इसी बीच कैंग बहुत अग्रेसिव हो जाता है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो मर जाता है। अब डॉक्टर और नोहा मिलकर दूसरी लाशों को चेक करते हैं। नोहा उनमें कोई क्ल्यू ढूंढ रहा होता है पर डॉक्टर कहता है कि बस करो, लाशों को डैमेज मत करो। तभी उन्हें खबर मिलती है कि यूरा बड़ा अग्रेसिव हो रहा है। वे तुरंत जीप में जाकर देखते हैं। यूरा तो इस जगह से अब चला जाना चाहता है लेकिन नोहा उसे बाहर घसीट कर लाता है और कहता है तुम एक ल्यूटिनेंट की तरह बिहेव करो, ना कि पागलों की तरह, समझे? अब यूरा शांत हो जाता है। नोहा और स्क्रीन उससे पूछते हैं कि ठंडे दिमाग से बताओ कि बंकर में सचमुच क्या हुआ था। यूरा बताता है कि जब से मार्विन और उसके आदमी जंगल से वापस आए तब से मेरे बंकर में अजीब घटनाएं होने लगी, इसलिए मुझे मार्विन के सोल्जर्स को बंद करके रखना पड़ा। एक सोल्जर तो बाथरूम में ही अपना हाथ तोड़ने लगा। फिर मैंने एक ज़ॉम्बी सर्वाइवर से कमांडर मार्विन के बारे में पूछा लेकिन मार्विन जो ज़ॉम्बी बन गया था उसे पीछे से आते हुए देखकर वो घबराने लगा। ज़ॉम्बी मार्विन ने मुझे मार गिराया और उस सोल्जर को मारने गया और इसी वजह से मैंने सभी के वेपन्स छीनकर आर्मरी में रख दिए थे। अब प्रेजेंट में गार्ड बेहोश हो जाता है और डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करता है। तभी दूसरे सोल्जर को रैशेस होते हैं और वो एक कमरे में जाता है लेकिन उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है और उसे कूटने की आवाज आती है। लेकिन स्क्रीन ने उस सोल्जर को अपने कलीग को मारते हुए देख लिया था। वो तुरंत नोहा को बताता है। अब नोहा और उसके आदमी उस सोल्जर को पकड़ लेते हैं। दरअसल वो सोल्जर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूरा, कैंग और कमांडर लिटिल तीनों ही मार्विन के सोल्जर से भिड़ गए थे क्योंकि मार्विन के आदमी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गए थे। कैंग उन्हें शांत करने की कोशिश करता है लेकिन इस हलचल में एक सोल्जर गलती से कमांडर लिटिल को खत्म कर देता है। अब यूरा मार्विन के आदमियों को अरेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उसके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। अब मार्विन के आदमी उसको कैप्चर कर लेते हैं लेकिन यूरा मार्विन के एक आदमी को मार डालता है और अपने कैद से आजाद हो जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो डॉक्टर नोहा को बताता है कि हमें अपने सोल्जर को ज़ॉम्बी वायरस से बचाना होगा कैसे भी करके। नोहा फिर से कैंग और यूरा की डायरीज पढ़ता है। तभी उसको एक इम्पोर्टेंट क्ल्यू मिलता है और वह यूरा से मिलने जाता है लेकिन यूरा छुपकर वैन में घुस गया है जहां कैंग की बॉडी रखी हुई है और तब पता चलता है कि ये असल में यूरा नहीं बल्कि मिलिट्री डॉक्टर है। दरअसल ये आदमी नोहा से झूठ बोल रहा था। जिस आदमी ने सर्वाइवर को मार डाला था वही यूरा था और वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट भी हो चुका था और असल में जंगल के अंदर मार्विन नहीं गया था बल्कि असली यूरा ही गया था। पर यूरा ने जबरदस्ती इस मिलिट्री डॉक्टर से अपनी डायरी लिखवाई जिससे दूसरे सोल्जर्स उसके बहकावे में आ जाएं। प्रेजेंट में एक इन्फेक्टेड सोल्जर मिलिट्री डॉक्टर को देख लेता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन सोल्जर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। मिलिट्री डॉक्टर उसको पकड़कर दो हिस्सों में काट देता है। वो तभी बंकर से बचने की कोशिश करता है लेकिन नोहा और उसकी टीम उसको पकड़ लेते हैं और तब नोहा उसकी असलियत बताता है। लेकिन हालांकि ज़ॉम्बी के दो हिस्से हो गए हैं फिर भी वो एक सोल्जर पर अटैक कर देता है। नोहा उस पर लगातार गोली चलाता है और आखिर एक हेडशॉट से वो मारा जाता है। और अब ये लोग मिलिट्री डॉक्टर को एक जगह लॉक कर देते हैं।
उसे याद आता है कि मार्विन की आर्मी ने यूरा को पकड़ लिया था। उनका मानना था कि यूरा ने ही बंकर में वायरस इन्फेक्शन फैला दिया। उसी दौरान कैंग अपने दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन एक डरावने जोम्बी को देखकर घबरा जाता है। लेकिन जोम्बी कैंग को कुछ नहीं करता, क्योंकि कैंग खुद भी इन्फेक्ट हो चुका है। कैंग का दोस्त भी इन्फेक्ट हो गया है और उसकी बुरी हालत देखकर कैंग उसको मार डालता है। और अब प्रेजेंट में डॉक्टर सभी सोल्जर्स को चेक करता है कि कहीं कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। यहाँ मिलिट्री डॉक्टर बचने की कोशिश में लगा हुआ है। सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब इन्फेक्टेड सोल्जर्स दूसरे सोल्जर पर अटैक करने लग जाते हैं। एक सोल्जर एक जोम्बी सोल्जर को शूट कर देता है। मिलिट्री डॉक्टर अब लाइट्स को डैमेज करता है और इस वजह से शूट आउट होने लग जाता है। कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं। एक इन्फेक्टेड सोल्जर का हाथ कट जाता है, लेकिन फिर भी उसे दर्द नहीं होता। नोहा दूसरे इन्फेक्टेड सोल्जर को चेक करने जाता है, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक लगता है। नोहा सोचता है कि ये जोम्बी वायरस इन्फेक्शन कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। वो मिलिट्री डॉक्टर को डांटता है कि अगर तुम बता देते कि ये वायरस कुछ समय में डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे इतने सोल्जर्स को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पर मिलिट्री डॉक्टर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे आदमियों को भी पागल कुत्तों की तरह मारने की क्या जरूरत थी। बाद में नोहा स्किनी को देखता है जो इन्फेक्ट हो चुका है। नोहा उसको गले लगाता है और उसे शूट कर देता है। अब नोहा भी वही करना चाहता है जो कैंग ने किया था। वो सभी को मार डालना चाहता है ताकि वायरस और न फैले। डॉक्टर इसके खिलाफ होता है, लेकिन नोहा दिखाता है कि वे दोनों भी इन्फेक्ट हो गए हैं। अब नोहा मिलिट्री डॉक्टर को मार डालता है और हर तरफ केरोसिन फेंकने लगता है। बाकी सोल्जर्स अपने रैशेस छुपा लेते हैं और खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं कि वायरस नाम की कोई चीज होती नहीं। दरअसल वे मरना नहीं चाहते, लेकिन जब उन्हें केरोसिन की स्मेल आती है और पता चलता है कि नोहा ने मिलिट्री डॉक्टर को मार डाला, तो वे नोहा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वे नोहा को कोसते हैं और चिल्लाते हैं कि हम इस नरक से बाहर जाना चाहते हैं, पर डॉक्टर नोहा की मदद के लिए आता है। दोनों के बीच शूट आउट होती है और कई सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन जल्द ही डॉक्टर का एम्यूनेशन खत्म हो जाता है और वो भी मारा जाता है। इस पागलपन के बाद अब नोहा और एक सोल्जर के बीच लड़ाई होती है जिसमें नोहा मारा जाता है। वो सोल्जर बंकर से बाहर जाने की कोशिश करता है और तभी बैकअप टीम वहां पर पहुंच जाती है। सोल्जर गेट खोलता है, लेकिन नोहा ने एक बैकअप बॉम्ब सेट कर रखा था। गेट खोलते ही बॉम्ब ट्रिगर होता है और बंकर के अंदर सभी मारे जाते हैं। बैकअप टीम सेफ जगह पर पहुंच जाती है और आखिर में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैंग अपने आखिरी शब्द रिकॉर्ड कर रहा है। वो ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताता है और कहता है कि इस बंकर में किसी भी आदमी को जिंदा मत छोड़ना। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।